मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स एल क्लासिको ऑफ आईपीएल मैच नंबर 33 होने वाला है। ये आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीमें, लेकिन इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। एक टीम है नंबर 9 पे जबकि एक टीम नंबर 10 पे है। मुंबई को अभी तक एक भी जीत नहीं मिल पाई है जबकि चेन्नई एक मुकाबले में जीती है अपने 6 मुकाबलों में से। अगर मुंबई इस मुकाबले में हारी तो उनका टूर्नामेंट खत्म ही हो जाएगा जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। ये मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं, साथ ही टीम कंपैरिजन में कौन सी टीम बेटर है और मैच कौन सी टीम जीतने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आईपीएल 2022 के हर मैच से रिलेटेड वीडियोस के लिए। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी रही है उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और ऐसा बॉलर हमें दिखा नहीं है जो विकेट्स निकाल सके या रन रोक सके। एक तरफ से जसप्रीत बुमराह तो अपना काम कर देते हैं लेकिन दूसरी तरफ से उनको साथ नहीं मिलता और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी बॉलिंग ही प्रॉब्लम रही है। हालांकि पिछले कुछ मुकाबले में पावर प्ले में विकेट्स तो मिल रहे हैं, महेश तीक्ष्णा विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में एक बार फिर से चेन्नई की प्रॉब्लम सामने आ रही है। पिछले मुकाबले में क्रिस जॉर्डन को बहुत पिटाई पड़ी। दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है। एकमात्र ऐसी टीम जिनका सीएसके के खिलाफ हेड टू हेड बेटर है। मुंबई ने 19 मुकाबले जीते हैं जबकि सीएसके ने 13 मुकाबले जीते हैं। इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुंबई ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स को ट्राई कर चुकी है। पिछले मुकाबले में फेबियन एलन को खिलाया था, इस मुकाबले में रायली मेरेडिथ देखने को मिल सकते हैं या फिर टिमाल मिल्स की जगह रायली मेरेडिथ देखने को मिल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले मुकाबले में क्रिस जॉर्डन ने बहुत मार खाई थी, हमें इस मुकाबले में ड्वेन प्रोटियस देखने को मिल सकते हैं। कंपेयर करें अगर दोनों टीमों की तो इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन मुंबई के कंपैरिजन में बेटर रहा है। मुंबई को अभी तक वो परफेक्ट प्लेइंग 11 ही नहीं मिली है कि कौन से खिलाड़ी को खिलाए। कभी हमें बॉलिंग वीक लगती है, कभी बैटिंग कम लगती है। वहीं चेन्नई को प्लेइंग 11 तो मिल गई, हालांकि कुछ परफॉर्मेंसेस खराब रही है। इस मुकाबले में सुधार करना चाहेगी सीएसके। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मुकाबला होने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम में, बड़ा ग्राउंड होने वाला है। साथ ही इस ग्राउंड में डिफेंड भी हो जाता है टारगेट। 170 से ज्यादा अगर आप बना देते हो तो डिफेंड हो सकता है। हालांकि टीम चेस करना ही पसंद करेगी इस मुकाबले में क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग वीक है तो डेथ ओवर्स में बहुत परेशानी होने वाली है। मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इस टूर्नामेंट में मुंबई से बेटर सीएसके इन कंपैरिजन लग रही है बिकॉज उनकी बॉलिंग मुंबई से तो बेटर कर रही है क्योंकि पावर प्ले में विकेट्स निकाल रहे हैं महेश तीक्ष्णा। डेथ ओवर्स में अगर आज प्रिटोरियस खेलते हैं तो मुझे लग रहा है सीएसके का पलड़ा भारी रहने वाला है। मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए टॉस जीतना पड़ेगा क्योंकि अगर वो डिफेंड करते हैं तो सीएसके के पास वो बैटिंग लाइनअप है, इतनी एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप है कि वो हालांकि अभी 9वें नंबर पर है पर मैच जीत सकते हैं। आपके ख्याल से कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय।